हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं चीज़ इडली बना रही हूँ। इसके लिए हम सूजी लेंगे। ये आधा किलो सूजी है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। अब हम इसमें आधी चम्मच से थोड़ी सी कम नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब हम इसमें थोड़ी सी दही को डालेंगे। ये दही हमारी मिनिमम 50 ग्राम है, उस हिसाब से हम दही डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना के इसे हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। सूजी हमारी सारी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी जब तक इसे हम छोड़ दें। अब ये हमारी सूजी ये फूल गई है। अब हम एक इनो लेंगे और एक इनो कटिंग करके डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे हल्के से घोल लें। अब हम सारे मोल्ड में अच्छे से रिफाइन ऑयल लगा लेंगे, सारे मोल्ड में अच्छे से। अब हम इसमें बैटर डालेंगे सूजी का, स्टीम करने के लिए इसे रखें। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे कटिंग करके, इस पे ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स को डालेंगे हम। और अब इस पे से बैटर डाल के इसे 15 मिनट के लिए हम इसे इडली को भाप में सिकने के लिए देंगे। और यकीन मानिए, ये इडली खाने में चीज़ इडली इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपका। आपने तो बहुत तरह की इडली खाई होगी, एक बार इस तरीके से इडली बना के देखिए। इसे पिज़्ज़ा इडली भी कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इडली है। आप इसमें सीजवान चटनी भी डाल सकते हैं बीच में। इसमें बैटर डाल के इसे 15 मिनट के लिए हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। ये इडली हमारी बन के रेडी है। अब इसके साथ हम चटनी बनाएंगे। इसे मैंने ढक दिया है, ये बनके रेडी हो गई। अब इसे अच्छे से मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस चटनी बनाने के लिए जो इसके साथ सर्व की जाएगी, ये चटनी है चना दाल, मूंगफली, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, इसकी चटनी बनाए। और ये छौंक के लिए राई और सूखी लाल मिर्ची है। और ये दही है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे। इसमें हम जीरा और राई और सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। अब हम चना दाल देंगे इसमें और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे। दो हरी मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम भूंज लेंगे जब तक से इसमें खुशबू ना आने लग जाए और ये रेड रेड ना हो जाए। अब इसमें हम मूँगफली डाल देंगे और मूँगफली डाल के भी इसे अच्छे से हम भूंजेंगे। ये हमारी भुंज गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके मिक्सर जार में इसे डालेंगे। और इसमें हम 2-3 चम्मच दही की डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़े से पानी डाल के। ये चटनी हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और यह खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखें। और यह काफ़ी हेल्दी भी है। ये हमने काट के दिखाया, इसमें ये काफ़ी चीज़ी है और खाने में वाकई में बहुत ही टेस्टी थी और काफ़ी हेल्दी है। एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। काफ़ी यमी है ये।